यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। मैंने सेंगदाने को पहले से भून कर छील लिया है, उसके छिलके निकाले। एक चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ मैं इसमें, और ये 5 लहसुन की कलियाँ हैं ये डाल दी है मैंने, ज़्यादा लहसुन नहीं डालना है इसमें। और ये 100 ग्राम हरी मिर्च है। अगर आप बहुत तीखा बनाना चाहते हैं तो तीखी वाली मिर्ची यूज़ करिएगा, तो बहुत ही चटपटा सा बनेगा वो। अब इसमें मैंने जो सेंगदाने छील कर रखे थे, छिलके निकाल कर उसे डाल दिया है, और इसे भी हम 1 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करके पकाएंगे, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, आप पराठे के साथ खाइए, सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छा लगता है। पराठा या दाल चावल के साथ यूज़ करिए, ठंडा हो गया। चलिए इसे चन कर लेंगे। इसे ठंडा होने के बाद ही चन करेंगे, और इसे दरदरा सा ही हमें बनाना है, हमें इसे एकदम बारीक नहीं पीस के लेना है। ये देखिए मैंने इसे चन कर लिया। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।